हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी होटल के अंदर स्टे अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी भी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आप वहाँ की लोकल गाइडलाइन ज़रूर देखें स्टेट गवर्नमेंट की, और उसके बाद ही स्टे करें। हमने वहाँ जाकर जब MMT से बुकिंग ली, MMT वालों ने हमारी बुकिंग भी ले ली और हमारा अमाउंट भी काट लिया, बट हमें स्टे प्रोवाइड नहीं कराया गया। तो ये MMT वालों की बहुत बड़ी फ्रॉड है, जिसके रिगार्डिंग मैंने उनको ईमेल भी किया है और वो अभी भी वहाँ पर बुकिंग दे रहे हैं। तो कृपया आप इस फ्रॉड से बचें, और MMT वालों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप वहाँ की बुकिंग ना लें, ताकि जो लोग वहाँ पर जाते हैं वहाँ जाके परेशान ना हो। बेसिकली हमारी जो ये जर्नी थी, हमने 2 जुलाई को दिल्ली टू उत्तराखंड गए थे, बेसिकली देहरादून हमारा कुछ ऑफिशियल वर्क था। तो हमने MMT से बुकिंग कराई थी, बुकिंग कंफर्म थी, हमें मेल आया था, हमने डाउनलोड भी कर लिया था इसके जो भी है कंफर्मेशन चीज़। लेकिन जब हम वहाँ गए और रात को 8 बजे हम पहुँचे थे दिल्ली से, बाय रोड हम गए थे। तो पहुँचने के बाद जो हमने होटल में कॉल किया, दुग्गल होम स्टे था वो, तो कॉल करने पे उन्होंने बोला कि वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं अभी जो लॉकडाउन की वजह से उन्होंने सारे होटल्स अभी बंद कर रखे हैं, मतलब टूरिस्ट को स्टे के लिए वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि MMT अभी भी बुकिंग ले रहा है। तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि आप स्टे नहीं कर सकते हैं, आप MMT से कॉन्टैक्ट कर लीजिए ताकि वो आपके मनी जो भी उन्होंने डिडक्ट किया है अमाउंट है वो रिटर्न कर दें। और मनी रिटर्न की बात नहीं आती है, कि प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम वहाँ पर इतनी रात को पहुँचते हैं, सपोज़ रात में पहुँचे या दिन में भी पहुँचे, जैसे हम पहुँचे रात के लगभग 8 बजे, तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल शौक की तरह था कि अब हम रुके कहाँ, क्योंकि हमारा कोई नोन है नहीं और ये ऐसा टाइम है कि कोई आपको स्टे करने भी नहीं दे सकता है। तो जो चीज़ हमें कंफर्म थी स्टे को लेकर, हम श्योर थे कि चलो एटलीस्ट होटल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। और वो भी सिर्फ इस एक चीज़ के लिए कि MMT ने अपने MMT के साइट से बुकिंग अभी भी कंटिन्यू रखा है, हालांकि वहाँ पे अलाउड नहीं है होटल बुकिंग। तो MMT को इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टे के लिए बिल्कुल मना करके रखा है, तो वहाँ के एटलीस्ट बुकिंग ओपन ना रखें अपने साइट पे। तो मेक माई ट्रिप जैसे रेप्यूटेड साइट से ऐसी फ्रॉड कह सकते हैं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई थिंक उन्हें अपडेटेड होना चाहिए स्टेट वाइज कि कहाँ होटल बुकिंग अलाउड है, कहाँ नहीं है, स्टे अलाउड है, कहाँ नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें बुकिंग कंफर्म करनी चाहिए। फाइनली जब हमें दुग्गल स्टेज होम वालों ने मना कर दिया कि वो अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो हम फर्दर अकोमोडेशन सर्च करने के लिए और होटल्स में घूमे। जो भी होटल मुझे खुला मिला, मैंने वहाँ पर रिक्वेस्ट की कि हमें रूम प्रोवाइड करा दिया जाए, बट उन्होंने स्ट्रिक्टली हमें मना कर दिया कि उनको स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि वो किसी भी विजिटर को अपना रूम प्रोवाइड नहीं करा सकते। उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं होगा, तो हमें किसी सेफ जगह अपनी कार पार्क करनी चाहिए और वहीं पर ही स्टे करना चाहिए। तो हम दोनों ने को ये लगा कि या तो रेलवे स्टेशन ही सेफ और या फिर हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वो सेफ़ है कि हम वहाँ पर गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं और अपनी पूरी रात वहाँ स्पेंड कर सकते हैं। हम हॉस्पिटल इसलिए नहीं गए क्योंकि हम आ सकते हैं एक्सपोज होने का थोड़ा सा डर था, तो हमने फिर रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पर हमने पार्किंग में गाड़ी पार्क की और अपनी पूरी रात वहीं पर ही पार्किंग में स्पेंड की। अगर और ये सिर्फ हमारे साथ जो हुआ बिकॉज ऑफ MMT मेक माई ट्रिप की वजह से, कि क्योंकि उन्होंने हमारी जो बुकिंग एक्सेप्ट कर ली, हमें अश्योरेंस कर दिया कि हमारा वहाँ पर रूम हमें प्रोवाइड कराया जाएगा, हमें जो भी उनकी बेसिक फैसिलिटी है सब प्रोवाइड कराई जाएगी, बट उनकी वो सारी जो भी प्रॉमिस था वो सब फेक था और हमारे पैसे भी काट लिए, और जो कि अभी तक रिफंड भी नहीं किए हैं। हमने उनको कई बार कॉल करा है और उनको रिक्वेस्ट किए कि आप प्लीज़ उसमें मेंशन कर दें या फिर वो डिलीट कर दें अगर आप हमें अकोमोडेशन या किसी भी बंदे को अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते तो, बट वो आज भी मैं देख रहा था तो आज भी वो ओपन है, वो आज भी शायद बुकिंग्स ले रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से एक फ्रॉड है जो कि हम सबको देखना चाहिए और इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, या मेक माई ट्रिप को इस वीडियो को देख के एटलीस्ट उसमें कोई गाइडलाइंस कुछ गवर्नमेंट की आई है तो उसको उसमें मेंशन करें, उसमें बताएं कि वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या जो कंडीशन है उसको फॉलो कराएं। अदरवाइज़ तो कोई भी बंदा जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी।